हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आपने हुंडई के बोस ऑडियो सिस्टम्स के बारे में काफ़ी तारीफ़ें सुनी होगी, तो वैसे ही आज मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसका साउंड टेस्ट भी सुनेंगे। बात करते हैं गाड़ी की, तो ये है हुंडई वर्ना 2023 जो टॉप एंड मॉडल है, और इसके टॉप एंड मॉडल में आपको मिलता है बोस ऑडियो सिस्टम। और इसमें इस टॉप एंड मॉडल में आपको जो टच स्क्रीन मिलती है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो साइज़ है वो है 10.25 इंच। इसमें जो बोस ऑडियो सिस्टम है वो 8 स्पीकर्स का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 8 स्पीकर्स है कहाँ। जो स्पीकर है वो आपको मिल जाएगा आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के जस्ट पीछे। आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में आपको एक सेंटर स्पीकर मिल जाएगा, उसके बाद लेफ्ट डोर में आपको एक स्पीकर मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपको बोस की ब्रांडिंग मिल रही है। वैसे ही राइट साइड वाले डोर में भी मिल जाएगा। मैं अभी फ्रंट की बात कर रहा हूँ, फ्रंट राइट साइड वाले डोर में मिलेगा आपको, इसमें बोस की ब्रांडिंग दी हुई है। साथ में आपको फ्रंट में 2 ट्विटर मिलते हैं जो कि ए पिलर में है, एक ड्राइवर साइड में और एक को ड्राइवर साइड में। अब जैसे ही हम पीछे आते हैं, पीछे में आपको मिलेगा यहाँ पर पैसेंजर साइड वाले डोर में, राइट साइड वाले में यहाँ पर भी एक आपको स्पीकर मिलेगा जो कि आपका हुआ अब तक का 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्पीकर यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, ये नॉर्मल स्पीकर से। वैसे ही आपको इधर भी मिलेगा लेफ्ट साइड में रियर पैसेंजर डोर पे, यहाँ भी आपको आपका 7 स्पीकर मिल जाएगा यहाँ पर, और इसमें भी आपको देखोगे आप बोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बाद जो लास्ट स्पीकर मिलेगा जो 8 स्पीकर है वो एक्चुअल में एक सबवूफर है जो आपको पीछे मिलेगा बूट में, उसके आपको वेंट्स यहाँ मिल जाएंगे रियर विंडशील्ड के पास, ठीक है। और ये है जो स्पीकर ग्रिल जहाँ पर सबवूफर प्लेस्ड है, यहाँ पर सबवूफर है, ये उसका वेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, उसमें आपको स्पीकर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है जहाँ पर मैग्नेट लगा होता है वो दिखेगा। फाइनली मैंने बूट ओपन कर लिया, इसमें आपको पीछे दिखेगा ये सबवूफर है और ये इसके मैग्नेट है, ठीक है, ये बूट पे रखा हुआ है। तो पूछ सकते हैं कि इसका सबवूफर का साइज़ कितना है, तो मुझे ये ऑलमोस्ट 8 to 10 इंचेस के आसपास लग रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 इंच तो बिल्कुल नहीं है, ये 8 to 10 इंचेस के आसपास होगा। इस तरीके से ये जो वरना है इसमें जो बोस ऑडियो सिस्टम के स्पीकर का प्लेसमेंट इस तरीके से हुआ है, जिसमें आपको जैसे ही बताया डैशबोर्ड में एक है, डोर्स में है, सामने के दोनों डोर्स में 2 ट्विटर है, पीछे रियर वाले डोर में 2 स्पीकर्स है, और सबसे लास्ट में आपको सब वूफर मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट इसमें व्हीकल सेटिंग्स भी है, बट हम इस वीडियो में स्पेसिफिक टू ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो सपोर्ट करता है रेडियो, मीडियम इस आपकी ब्लूटूथ, अगर आप फोन्स को कनेक्ट करेंगे वाया ब्लूटूथ तो आप ब्लूटूथ के थ्रू ऑडियो प्ले कर सकते हैं। इसमें आपको पेन ड्राइव के लिए भी USB पोर्ट मिलेगा, इसमें आप अपनी USB लगा सकते हैं जिसमें आपके सारे सॉन्ग्स हो, और आई गेस यस इतना ही सपोर्ट करता है ये। हाँ, एक और चीज़, ये जो फोन प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट होता है, लेकिन वो वायर से कनेक्ट होगा, वायरलेस नहीं है, तो आपको वो जो है आपका केबल है वो आपको यही लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको अपने पेन ड्राइव से सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो अपना फ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आप जो फ़ोन से आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के थ्रू जब अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो केबल के थ्रू, तो आप गूगल मैप्स या फिर जो भी चीज़ एक्सेस करते हो वो नहीं कर पाओगे, तो ये एक ड्रॉबैक है। वैसे ही अगर आपको गूगल मैप या एंड्रॉयड ऑटो सब चलाना है तो आपको पेन ड्राइव निकालनी पड़ेगी, फिर आपको या तो FM से ही गाने सुनने पड़ेंगे या फिर आपको अपने फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक और बहुत सारे जो म्यूज़िक ऐप होते हैं, यूट्यूब म्यूज़िक, ये सब, तो आपको उनके थ्रू ही गाना प्ले करना पड़ेगा इसमें। अब बातें बहुत होगी, अब आ जाते हैं आपके फेवरेट पार्ट में जो कि है साउंड टेस्ट। मुझे पता है आप लोग बहुत देर से उसी चीज़ का वेट कर रहे होगे अब तक कि भाई साउंड टेस्ट लाओ, हमको ये सब सारी चीज़ें पता है, ये बकबक मत करो, हमको साउंड सुनना है भाई, बोस ऑडियो सिस्टम सुनना है। तो ठीक है, फटाफट से मैं पीछे चले आता हूँ, अपना फ़ोन प्लेस कर देता हूँ और मैं ब्लूटूथ के थ्रू गाने बजाऊँगा इसमें, क्योंकि मेरा फ़ोन है वो कनेक्ट नहीं, एट द सेम टाइम कनेक्ट होकर गाना नहीं बजा पाएगा, तो मैं दूसरे फ़ोन से इसमें ब्लूटूथ से गाने बजाऊँगा और आप ऑडियो का मज़ा लीजिए। और मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑडियो सिलेक्ट करके रखे हैं, आई होप आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ, अब मैं फटाक से पीछे चले जाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ पीछे फटाफट से। हाँ, एक और चीज़, पहले आप अपना हेडफोन्स या फिर जो भी आप जिसमें सुनोगे अच्छे ऑडियो डिवाइसेस में वो आप कनेक्ट कर लीजिए, बट बेस्ट पॉसिबल है कि आप, अगर आपके पास हेडफोन है तो आप हेडफोन्स कनेक्ट कर लीजिए, एयरफोन से एयरफोन कनेक्ट कर लीजिए, आपके पास TWS है वो कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो साउंड ऑडियो है
वो प्रॉपर उसी में सुनाई देगा, लेकिन जो ये फ़ोन रिकॉर्ड करेगा और आपके हेडफोन्स में सुनाई देगा वो प्रॉपर जस्टिफाइबल नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी चीज़ें रॉ रहे, और फटाफट से आप हेडफोन लेके आ जाइए। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें जो ऑडियो सेटिंग्स करके रखी है वो क्या करके रखी है, मतलब बेस कितना है, ट्रेबल कितना है, मिड्स कितने रखे हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तब तक हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गए साउंड में। साउंड में जाने के बाद आप देख सकते हैं बोस, ये बोस लिखा है, दैट मीन्स कि इसमें बोस ऑडियो सिस्टम है। मैं जाता हूँ इक्वलाइजर पे। अब इक्वलाइजर पे आप देख सकते हो ये मैंने 1110 रखा है, मिड रेंज 7 रखा है और बेस को 10 रखा हुआ है। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वी साउंड सिग्नेचर, अगर मैं इसको वर्टिकली करूँगा तो वी साउंड सिग्नेचर कहलाता है। और मोस्टली जो बोस है, JBL ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स है, वो आपको एक वी साउंड सिग्नेचर ही रिकमेंड करते हैं। अगर आप कोई भी बोस ऑडियो सिस्टम्स के अगर आप साउंड टेस्ट देखेंगे जो उसमें रिकॉर्ड करके वो लोग एक ग्राफ बनाते हैं साउंड सिग्नेचर का, तो उनमें आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो हमेशा एक वी शेप में रहेगा। इसलिए मैंने भी इसको वी शेप में ही रखा है ताकि हम जैसा बोस चाहता है उस तरीके से हम इसका साउंड सेट कर सकें। मैं इसका वॉल्यूम सेट कर देता हूँ। इसका वॉल्यूम मैं रखूँगा 55। ठीक है, चलो 55 रख देता हूँ। तो प्ले करते हैं अपना पहला गाना। कैसा लगा? मज़ा आया ना? मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करने में और इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने में। आई डोंट नो कि ये कैसा रिकॉर्ड करेगा, आपके फ़ोन में कैसा प्ले होने वाला है यूट्यूब के कंप्रेशन एल्गोरिथम के बाद, बट कार में इतना मज़ा आ रहा है मैं क्या बताऊँ। तो अब फटाक से दूसरे सॉन्ग पे चलते हैं। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं इनफैक्ट मैं रियर सीट में बैठा हूँ और जो पीछे का जो सबवूफर है ना वो मेरे बैक रेस्ट को मसाज दे रहा है, लिटरली मसाज दे रहा है। वो वाइब्रेशन जो है वो उससे मेरे को इतना बढ़िया फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे कोई मसाज दे रहा है पीछे से। चलो अब थर्ड ट्रैक की तरफ चलते हैं। I could be the
बेस, जो मजा आ रहा है ना लो बेस का, ऐसे ही ये जो बोस ऑडियो सिस्टम है अपना सेगमेंट लीडर नहीं है, कुछ तो बात है वो दिख रही है लिटरली। क्या मजेदार साउंड है, क्या सूदिंग आवाज है इसकी, कैन नॉट कंपेयर विद एनी अदर ऑडियो सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट, इन दिस पर्टिकुलर एंटायर सेगमेंट बेसिकली। अब नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं। लो बेस का जो मजा है ना, और सारे बेस वेरिएंट्स का जो मजा है, वो इस गाने में है, इस गाने में है, और इतना मजा आ रहा है लिटरली इसको सुनने में। कंटिन्यू करते हैं, बहुत बक बक कर दिया मैंने। मजा आया आपको लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो गई, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे सॉन्ग्स है वो प्रॉपर सुने, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा मैंने बचा दिया जो मेन मेन पार्ट है और आपको दिखा दिया कि देखो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैं सारे गाने को काफ़ी देर तक बजाऊंगा ताकि आप गाने को एंजॉय करें, आप एक एक चीज़ें समझें, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट सॉन्ग में, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है फ्रॉम दिस एंटायर लिस्ट। अब मैं लास्ट वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ। Yeah.
ज्यादा नहीं फोन कैमरा फोकस कर पाया गया नहीं, लेकिन लिटरली गूज बम्स आ गए। गूज बम्स आ गए दोस्तों, गूज बम्स लिटरली। क्या ऑडियो क्वालिटी है यार इसकी, दिन भर मैं गाड़ी में रह के सुन सकता हूँ, इतनी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी है। ठीक है चलो फटाफट से इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। अब प्रोज की, तो सबसे पहला प्रोज है ये जो स्क्रीन है काफ़ी बड़ी है, 10.25 इंचेस की, काफ़ी एडिक्वेट है। वीवी एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एंगल से देख लो ये आपको सेम ही कलर डिस्प्ले करेगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई कलर डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, कैन इसका प्रो ये है कि जो टच स्क्रीन है रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर मैंने कोई आईपैड इंस्टॉल कर लिया और उसको मैंने मैक्सेस कर रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, कोई लैग नहीं, लिटरली कोई लैग नहीं। मैंने सेगमेंट में एक दूसरे गाड़ियों की टच स्क्रीन यूज़ करी है, चला के देखा है मैंने, बट ये जो है स्मूथनेस इसकी काफ़ी बेहतरीन। थर्ड जो है वो है डिस्प्ले क्वालिटी, काफ़ी शार्प है, एक्यूरेट कलर्स है, कोई ओवर सेचुरेटेड कलर नहीं है। जब भी मैं इसमें एंड्रॉइड ऑटो ऐप कारप्ले चलाता हूँ तो जो कलर्स दिखते हैं वो एकदम बैलेंस्ड रहते हैं, आपको कोई आपको आँख में चुभेंगे नहीं। फोर्थ है इसकी ब्राइटनेस, काफ़ी बेहतरीन ब्राइटनेस है, दिन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, रात में डिम हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन जो डे लाइट होती है जिसमें बहुत तेज़ धूप पड़ती है उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो फिनिश दी गई है यहाँ पर वो मैट फिनिश है, ग्लॉसी नहीं है, तो मैट फिनिश की वजह से इसमें रिफ्लेक्शंस बिल्कुल ना के बराबर है। फिफ्थ जो है इसमें जो अभी ट्रेंडिंग, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग तो नहीं बोलेंगे, जो लेटेस्ट इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल है, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, FM तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, USB भी आ रहा है, ब्लूटूथ भी आ रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपके डे टू डे यूसेज में जो काम आएगी वो सारी चीज़ें इसमें जो है। वो तो सबसे बड़ा प्रो है इसका ऑडियो क्वालिटी, क्या लाजवाब ऑडियो क्वालिटी है ये जो चीज़ है, जब तक आप इसको शोरूम में जाके एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो चीज़ें बताने वाली नहीं, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, तो वो सामने सुन के ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात करते कौन की। दोस्तों देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो आप कितना भी कर लो आप कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी कुछ है, ये भी कुछ ऑडियो सिस्टम है काफ़ी जो पॉपुलर है, लेकिन वो कुछ कॉन्स के साथ भी आया है। सबसे पहला कॉन इसमें ये है कि इसमें जो एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले है वो वायरलेस नहीं है, उसके लिए आपको वायर्ड कनेक्शन ही करना पड़ेगा, वायरलेस बिल्कुल काम नहीं करता। अब पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, हालांकि इसके जो नीचे वाले वेरियंट्स आते हैं जिनमें 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है, इसमें क्यों नहीं है नहीं मालूम। इनफैक्ट ये जो टच स्क्रीन है आपके काफ़ी जैसे इलेक्ट्रोसॉन में है, क्रेटा में आता है, किया सेल्टॉस में आता है जो नई वाली आई है अभी, इनफैक्ट किया कारेंस में है, और ये जो काफ़ी बड़े सेगमेंट की गाड़ियां होती है जैसे कि वो इंटरनेशनल गाड़ियां है हुंडई की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है बट है सब कुछ गाड़ियां, उनमें भी सेम टच स्क्रीन आता है, उनमें भी सेम ही इशू है कि उनमें भी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस नहीं चलता। शायद कंपनी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कंपनी अपडेट पुश कर सकती है, आई गेस हार्डवेयर होगा इसके अंदर, कंपनी अपडेट पुश कर सकती है जिसके थ्रू वो एनेबल कर दे, बट पता नहीं कब करेगी, आई एम वेटिंग। इसका दूसरा बड़ा कौन, तो बड़ा तो नहीं बोलेंगे बट है, वो है माइन्यूट, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। वो ये है कि इसके जो रियर स्पीकर्स है, फ्रंट में आवाज़, फ्रंट स्पीकर्स में, ट्विटर में कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है, बेस भी आता है प्रॉपर, ट्रेबल भी आता है, मिड्स भी आते हैं, लेकिन जो रियर स्पीकर है ना वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा कमज़ोर सा लगा, लाइक वो जैसा फ्रंट साउंड करता है ना वैसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लाइक उसका जो वॉल्यूम है वो कम है कंपेयर टू फ्रंट वाले स्पीकर्स। तो ये था इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, और अपने साउंड टेस्ट भी देखा। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए, आपके हुंडई वर्ना के बारे में कंटेंट चाहिए, आपको ऐसे सीरीज़ के बारे में चाहिए जैसे आपको डैश कैम इंस्टॉल करना है, तो डैश कैम ये जो कौन सा डैश कैम है इसके बारे में आपको जानना है, रेड टाइगर का है, इस पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है ऑलरेडी,
तो आप इसको देख सकते हैं। इसको अपडेट करने का प्रोसेस ऑनलाइन तो हो जाता है, लेकिन कई बार होता है कि आप, जैसे मैं ये अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं नीचे, ठीक है, ये -2 पार्किंग है, और हालांकि यहाँ पर दिख रहा है आपको सनलाइट आ रही होगी थोड़ी बहुत ऊपर से, बट जनरली मेरी गाड़ी दूसरी जगह पार्क होती है, ये मेरी पार्किंग नहीं है, मैं बस वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा लाइट पे लाया हूँ। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, सिग्नल बिल्कुल नहीं आते हैं, जिसे अभी आप देख रहे हो, ये देखो एकदम ना के बराबर सिग्नल है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब जो अपडेट्स आते हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाते, इसमें आते ही नहीं है, लाइक बहुत हो सकता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं इसकी इसमें अपडेट अपने आप आया है। तो उसको अगर आपको मैनुअल ही अपडेट करना है तो फिर आप दूसरे मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे वीडियोज़ के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ठीक है, स्टे ट्यून, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।